डिपार्टमेंट का रिव्यू करते हैं कि पिछली बार जो टारगेट आपको दिया था उसमें क्या अचीवमेंट हुई, किसी प्रोग्रेस कम है तो उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी और प्रतिनिधि भी सुझाव देते हैं तो उनको ऐड किया जाता है जिससे कि जो काम उनको पूरा किया जाए। SYL की आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो होने जा रही है। SYL से 91 से तो मैं किसी प्रकार से विधानसभा केंद्र से मैं देख रहा हूँ। SYL हरियाणा प्रदेश के लिए जीवन रेखा का प्रश्न है। जो माने सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में पानी देने का निर्णय जो किया है तो पंजाब सरकार बार बार डिनाई कर रही है। अतीत की सरकारें भी, हमने हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से रेजुलेशन करके पूरे विपक्ष को साथ लेकर के हमने केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन अतीत की सरकार, मौजूदा सरकार, उन्होंने पंजाब की असेंबली में उस प्रस्ताव को निरस्त किया और उसकी पत्तियां भी फाड़ी गई। और ये मुख्यमंत्री जो केजरीवाल दिल्ली के, जो आम पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, पंजाब में जाता तो बयान देता था हम एक बूंद भी हरियाणा प्रदेश को नहीं देंगे, हरियाणा में पैर रखता तो उसके बयान बदल जाते हैं, कहता कि निश्चित रहे हम हरियाणा के जो किसानों के हित है हमारे हाथों में सुरक्षित हैं। तो क्लियर करे ना, हरियाणा में आकर ये बयान दे कि हरियाणा प्रदेश को हम एक बूंद भी SYL पानी का नहीं देंगे तो उसको पता लग जाएगा। आपको लगता है कि आज जो मीटिंग होने जा रही है इसमें कुछ की इसमें माननीय मुख्यमंत्री, जितनी भी मीटिंग हुई है माननीय मनोहर लाल जी मीटिंग में गए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री से बैठ बाहर जाते हैं इसलिए उनकी मंशा ठीक नहीं है। तो इसलिए केंद्र के जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक कभी न कभी तो पानी तो देना ही पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं हमारे पास पंजाब में बिल्कुल भी पानी नहीं है और हमारा पानी का स्तर नीचे होता जा रहा है। पंजाब से पानी पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, क्यों नहीं वो हरियाणा प्रदेश को दिया जा सकता है।